हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमृताज और शुक्र है कृष्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में मेरे पास ये एक मिनी कूलर फैन, कुछ भी बोल सकते हो आपसे, ट्रांसपेरेंट स्प्रे लाइट फैन, इस प्रकार का फैन है। और ये इसका बॉक्स इस साइड ये, और ये इसके कलर वगैरह हो गए, शायद 3 स्पीड लेजिंग पावर, ये कलर हो गए, ये इसका स्पेसिफिकेशन हो गई पूरी। इनपुट है, इस करंट रहता है ये 1 वाट से एम्पियर है। आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज 5 वाट पे चलता है, 5 वाट मतलब मोबाइल चार्ज से चल सकता है, मेड इन चाइना है ये, देखना आप। अभी करते हैं ओपन बॉक्स को। ओपन करने से पहले जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना। ओपन करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें मिली है कि टाइप सी केबल, चार्जिंग केबल, उसके बाद हमारा मेन प्रोडक्ट और इसके साथ यूजर मैनुअल। ये प्रोडक्ट देखिए काफ़ी मस्त है यार दोस्तों, ये देखिए इसकी क्वालिटी वगैरह। और यहाँ से इस हवा को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, एयर एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, काफ़ी अच्छा है। नीचे ऊपर ये बीच में ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, और ऊपर नीचे ऐसे बोलता है ऊपर नीचे करने पे। और फिंगरप्रिंट से ऐसे चलेगा ये, टच से। ये इसका फॉग वाला, और शायद ये लाइट स्पीड की कंट्रोल, स्पीड बता दें कितने नंबर पे चल रहा है। और ये टाइप सी चार्जिंग के लिए, और ये ऑन ऑफ स्विच, और यहाँ पर शायद इसकी बैटरी वगैरह होगी, ये देखिए 18650 mAh लैपटॉप बैटरी है। इसको वापस कर देते हैं पैक, और ये देखिए ये फैन की पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है यहाँ पे। इनपुट आउटपुट सब लिखा हुआ है, 1500 mAh की बैटरी है इसके अंदर। और अभी से करते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, करते ही होगा ऑन होते, देखिए यहाँ पे एक बार लाइट चालू हो गई, वापस बंद हो गई। अब फिंगर से दबाते हैं 1 नंबर पे, ये देखिए 1 लाइट चालू हो गई, फैन चालू हो गया। अब इसको करते हैं 2 नंबर पे, ये देखिए 2 नंबर, 3 नंबर बंद। अब इसको प्रेस करके रखने पे ये देखिए ये फॉग चालू हो गया और दोनों लाइट चालू हो गई। अब वापस प्रेस करके रखने पे फॉग तो बंद हो गया, पर ये दोस्तों लाइट बंद नहीं हो रही। इसका किसी को पूछ पता हो कैसे बंद होगी, स्विच ऑफ करके तो बंद कर सकते हैं हम इसको, ऐसे कि किसी ऐसे फिंगर की तरफ कितनी बार दबा के कुछ होता हो, किसी को पता हो तो बता दे रहा प्लीज़ दोस्तों। और ये देखिए फॉग इसका, जो मैंने थोड़ा पानी डाला था उसको, जैसे ये देखिए पानी गायब हो गया। आप यहाँ से डाल सकते हैं इसमें पानी, एक बार पानी डाल के आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देख दोस्तों यहाँ से ऊपर छेद है, हम एक बार इसको पूरा फिल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों पूरा भर गया। अब इसको करते हैं बंद, ये आपको दिख रहा होगा पूरा भरा हुआ, यहाँ वो ऊपर की तरफ ये देखिए चल रहा है फॉग। पर ये अब इसकी स्पीड एडजस्ट नहीं हो रही है ना इसमें दोस्तों, शायद कहीं पे पानी बढ़ता है। मैंने पहले भी इसको ट्राई किया था पर ये काम नहीं कर रहा था, उसके बाद इसको चालू करने फिर ये पानी डालने के बाद, और अभी भी वही सिस्टम है, चल गया दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ से फॉग निकल रहा है और यहाँ से हवा आ रही है। ये फॉग वाला तो दोस्तों पता नहीं नीचे है या उस वजह से ज़्यादा हवा नहीं आती है, ये बंद हो गया पता नहीं किस वजह से। ठीक है दोस्तों आप से ट्राई कर सकते हो एक बार, ये करीब 1000 रुपये के आसपास ही है। और ये दो लाइट है, शोपीस के रूप में भी आप इसे रख सकते हो, ज़्यादा काम तो क्या आएगा, शोपीस के रूप में काम आएगा। एक बार इसको बढ़ दिया तो शायद मेरे ख्याल से 1 दिन चल जाएगा, इतने तो इसका बैकअप भी नहीं है, चार लगा के इसको चला सकते हैं। और तो दोस्तों कुछ है नहीं, इतना ही था इस वीडियो में। चलिए दोस्तों मुझे कर दीजिए जल्दी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करें। वीडियो पर देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।